हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टूडे वील डिस्कस अ वेरी ब्यूटिफुल वर्क क्राइम एंड पनिशमेंट रिटर्न बाय फायोडर मिखेलोविच एंड एंडस हम एक मास्टर टाइप क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं बट आई विल सजेस्ट यू कि इसमें अपना मटेरियल जरूर एड ऑन करें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर फायोडर मिखेलोविच डोस्ट्रोईवस् वाज अ रशियन नॉवलिस्ट essayist short story writer and a philosopher during his 20s he started his career in the field of writing poor folk his very first novel his works include crime and punishment the brothers karamazov demons and the idiot 1869 fyodor mikhailovich dostoevsky a russian novelist essayist short story writer and a philosopher during his 20s उन्होंने अपने राइटिंग की फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया था पुअर फोक उनकी वेरी फर्स्ट नॉवल थी जब ये नॉवल पब्लिश हुई तब ये ओनली ट्वेंटी फाइव ईयर्स के थे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं क्राइम एंड पनिशमेंट एटीन सिक्सटी सिक्स द ब्रदर्स कैरमेजोब एटीन एटी डिमन्स एटीन सेवेंटी टू द एडियट एटीन सिक्सटी नाइन नेक्स्ट है वेलिक सेट दैट द प्लॉट इज एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स बट दिस वेरी कॉम्प्लेक्सिटी

An impoverished ex student who plans to kill an unscrupulous pawnbreaker, an old woman. He theorizes that with the money he could liberate himself from poverty and go on to perform great deeds and seeks to convince himself that certain crimes are justifiable if they are committed in order to remove obstacles to the higher goals of extraordinary men. क्राइम एंड पनिशमेंट सेंट पीटर्सबर्ग के एक पुअर स्टूडेंट रोडियन रेस्कोलनिकोव की मेंटल सफरिंग एंड मोरल डायलमाज यानी जो नैतिक दुविधाएं हैं उन पर बेस्ड है जो एक डिसऑनेस्ट पॉन ब्रेकर यानी साहूकार को मारने की प्लानिंग कर रहा है वो लेडी अपने फ्लैट में मनी और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स स्टोर करके रखती है रेस्कोलिकोव जो है वो एक साइकोटाइप लड़का है उसका सिद्धांत है मतलब उसका एक प्रिंसिपल है कि जो पैसा है वो पैसे की वजह से खुद को पॉवर्टी यानी गरीबी से बचा सकता है और खुद को ये विश्वास दिला सकता है कि क्राइम करना बिल्कुल सही है अगर वो क्राइम मुझ जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन को अपने गोल्स तक पहुंचा सके तो हालांकि जब एक बार काम पूरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है उसे इस चीज़ की पनिशमेंट भी मिलती है और लास्ट में उसे क्राइम के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली डेट मीन्स फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से सफ़र करना पड़ता है रेस्कोलिको इज़ अ स्टूडेंट Who had to leave the university without having money to pay for education? He is philosophy sorry, he is philosophizing that there are two types of people, ordinary and extraordinary. Of course, he thinks that he is an extraordinary person. He needs it to prove it to himself. फॉर सम रीजन्स ही डिसाइड्स दैट इट वुड बी ग्रेट टू किल द ओल्ड पॉन ब्रेकर लेडी रेस्कोलनीकोव एक स्टूडेंट है जिसके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं और इस वजह से उसे यूनिवर्सिटी यानी अपनी एजुकेशन जो है वो बीच में ही छोड़नी पड़ती है नाइन्टीन सेंचुरी के सेंट पीटर्सबर्ग की डार को डर्टी स्टेट्स पर वॉक करते हुए वो एक फिलोसफिकल थाट सोच रहा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफकोर्स वो ख़ुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है लेकिन वो उसे खुद को प्रूव करना चाहता है और ख़ुद को चैलेंज देता है कि क्या वो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कुछ बड़ा कर सकता है और ड्यू टू समीजन्स उसने एक ओल्ड पौन ब्रेकर को मारने का डिसीज़न लिया है जिसे उसने कुछ पैसे पाने के लिए अपनी आखिरी जो घड़ियाँ थी वो बेच दी थी वाइल Overthinking the impending crime, Raskolnikov meets Marmeladov, a drunkard. The man retells his poor life to Raskolnikov. His daughter had to become a prostitute, feeling incredibly sorry for Marmeladov. Raskolnikov gives him his last money. He gets a letter from his mother that Raskolnikov's sister wants to marry a man. But Rodion can't let his sister save him by marrying a disgusting man. She doesn't love. so now he is convinced that killing the pawn breaker so he kills the old woman but what he did not plan was having to kill her step sister he gathers some money and runs away जब रेसकोल्ली को इस incomplete crime के बारे में सोच रहा होता है तो वो एक शराबी से मिलता है जिसका नाम है मार्मेलेडो मार्मेल एडोव रेस्कोल्निको को अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी एंड मार्मेल एडोव की जॉब भी जो है छूट गई थी यानी अब उसके पास फाइनेंशियली कुछ भी सोर्स नहीं है देन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उसकी बेटी ने एज ए प्रोस्टिट्यूट मीन्स एज ए वैश्य काम करना स्टार्ट कर दिया था रेस्कोलिको उसके लिए सोरी फील करता है और उसको अपनी मनी दे देता है जो उसने उस ओल्ड लेडी से रिसीव की थी देन उसको अपनी मदर से एक लेटर मिलता है इस लेटर में लिखा है कि रेस्कोलिकोव की सिस्टर एक पैसे वाले आदमी से शादी करना चाहती है ताकि वो अपने भाई मीन्स रेस्कोलिकोव की स्टडीज में फाइनेंशियली हेल्प कर सके बट रेस्कोलिकोव नोज दैट ही इज नॉट अ गुड मैन सो वो नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर किसी ऐसे आदमी से शादी करे देन वो डिसाइड करता है कि अब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए उसके पास जो लास्ट ऑप्शन जो है वो था ओल्ड लेडी का मर्डर सो so, वो उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है देन उसी टाइम उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ एंट्री करती है और वो उसे उसको मारते हुए देख लेती है तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसकी स्टेप सिस्टर को भी मार देता है और ओल्ड लेडी के जितने भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे जितने भी उसके पास मनी थी वो सारी इकट्ठी करता है और वहाँ से भाग जाता है द नेक्स्ट डे रेस्कोलिकोव गेट्स अफ फीवर He receives police summons. He is frightened but it turns out that he was only charged for not paying his rent. He hears policemen talking about murder as Kolnikov finds out that Marmeladov has died after being hit by a horse. He gives the rest of the money to Marmeladov widow. Finally he meets Sonia who is the daughter of Marmeladov. नेक्स्ट डे रेस्कोलनी को फीवर हो जाता है और उसे पुलिस से एक समन मिलता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो सोचता है कि उसे मर्डर केस में बुलाया गया है बट सडनली ही फील्स रिलैक्स क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ इसलिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था क्योंकि उसने अभी तक रेंट पे नहीं किया था लेकिन जैसे ही रेस्कोलनी को पुलिस स्टेशन से जाने लगता है तो वो एक पुलिस की जो है वो बात सुनता है और पुलिस बात कर रहा होता है मर्डर के बारे में और जैसे ही वो मर्डर की बात करता है अब उसने तो क्राइम कर रखा था अब मर्डर चाहे उसके मर्डर की बात हो या किसी के भी मर्डर की बात हो लेकिन उसके माइंड पे सीधा इफेक्ट जाएगा कि हाँ मेरी बात हो रही है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसी डर से उसके पास जितनी भी मनी होती है जिस मतलब उस ओल्ड लेडी की और जितनी भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो उसको ज़मीन में गाड़ देता है देन रेस्कोलिको को पता चलता है कि मार्मेलेडोव की डेथ हो गई है सो वो अपने पैसे मार्मेलेडोव की जो वाइफ है उसको दे देता है एंड देन वो मार्मेलेडोव की डॉटर सोनिया से मिलता है Raskolnikov decides to visit the police with a friend. The detective Porfiry Petrovich discusses with Raskolnikov the article he published about ordinary and extraordinary people. Expresses his concern whether extraordinary people generators of great ideas have the right to allow themselves to break the law if it benefits humanity. Porfiry is afraid such people could not only allow themselves to commit a crime but गो एज़ फार एज मर्डर रेस्कोलिकोव इज शॉक्ड एंड बिकम्स इवन मोर नर्वस रेस्कोलिकोव जो है अब उसने एक डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा मतलब उसी ने डिसीजन लिया ताकि यह पता है, मतलब ताकि वो जान सके पता लगाया जा सके कि जो ओल्ड लेडी है उनसे जो कुछ भी मतलब उनको लिया था ओल्ड लेडी ने उनसे जो कुछ भी लिया था वो वापस कैसे लिया जा सकता है पोरफ्री जो एक डिटेक्टिव है यानी जासूस है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैन है वो रेस्कोलिकोव के साथ उस आर्टिकल पर डिस्कस करता है जो उसके ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में पब्लिश की थी और अपनी जो चिंता है वो एक टाइप से बोल सकते हम व्यक्त करता है कि जहाँ जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं क्या वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए क्राइम करने का राइट है उनके पास क्योंकि पोर्फ़्री को डर है कि ऐसे लोग न केवल खुद को क्राइम की परमिशन देते हैं बल्कि किसी का मर्डर भी कर सकते हैं और इस बात से रेस्कोलिको को पोर्फ्री पर डाउट हो जाता है कि मे बी ही नोज अबाउट द मर्डर और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है सोनिया मार्मेलेडोव

वो उसे कन्विंस करती है कि उसे अपने मर्डर के बारे में बता देना चाहिए एंड शी प्रोमिस हिम कि वो साइबेरियन जेल जेल कैंप तक उसके साथ जाएगी मतलब वो उसके साथ रहेगी उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको छोड़ के नहीं जाएगी पोरफ्री भी उसे कन्फेज करने के लिए बोलता है एंड फाइनली रेस्कोलिक को पुलिस के पास जाता है और अपना क्राइम कन्फेज करता है हाउ He does not feel guilty at all. He understands that he is not extraordinary but simple, ordinary, and that makes him feel bad. Sonia keeps her word and gives him a Bible. Raskolnikov finally understands that he loved Sonia and. दस हिज पर्सनल रिबर्थ बिगेंस हालांकि जो रेस्कोल निकोव है उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता है कि उसने मर्डर किया है बट उसको इतना ज़रूर समझ आ जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही इज़ अ सिंपल ऑर्डिनरी मैन सोनिया अपना प्रोमिस पूरा करती है और साइबेरिया तक उसके पीछे जाती है एंड वो उसे एक बाइबल देती है जब रेसकोल जेल में होता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि दैट ही लव सोनिया एंड फाइनली वो अपनी लाइफ रिस्टार्ट कर देता है एंड दैट्स द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब डू एवरी थैंक यू